ये कपड़े धोए हैं, इनको बोल रही थी बच्चों को कि तय कर दो, पर बच्चे हैं ना कि तय भी नहीं करना है, इनको समेटना नहीं है, एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा इनको पढ़ाने के चक्कर में ना फ्रेंड्स कम टाइम मिल रहा है आपसे बात करने का। एक बार 14th के बाद फ्री हो जाऊं फिर बहुत ज़्यादा फिर बातें करेंगे हम, इंटरेक्शन करेंगे हम, और जो भी आपकी बात रहेगी, जो भी आप बोलना चाहोगे वो आप बताना, है ना, और अपनी राय, अपने कमेंट्स सब कुछ बताना, शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप बात करोगे, इंटरेक्शन करोगे। वैसे ही थोड़ा सा मैं हुई सोशल ना, मुझे अच्छा लगता है कि सोशल होके जीना, जिंदगी बहुत अच्छी है यार, मतलब क्यों हम किसी से ना बोले ना, आप मेरे, आप सब मेरे लिए अननोन थे, पर अब मेरे लिए अननोन है ही नहीं, एक फैमिली बन गए ना, इसीलिए अब अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करना। अगर जिस दिन मैं आपसे बात ना करूं तो मुझे खाना ही हजम नहीं होता, मेरा मन करता अरे आज कुछ मिस कर दिया मैंने, इसलिए आ जाती हूँ आपको बार बार बोलने, आपसे बात करने, पर आप भी पूरा पूरा कोऑपरेशन करा करें, है ना। मैंने वैसे अभी पूजा कर ली है, दिखा के आती हूँ आपको मैंने जो दिया बाती करी है। ये छोटा सा मंदिर है ना हमारा, ये शाम हो रखी है तो इधर अभी मैंने ये दिया बाती कर ली। अब वही है कि और कुछ टाइम नहीं हो पाता तो फटाफट से ये तो कर ही लेती हूँ कि चलो शाम को भगवान जी को तो याद कर ही लेना चाहिए। ये बाल्टी भी कपड़े सुखाए थे तो बाल्टी भी ये इधर ही रह गई है। सारी चीज़ें ना जब अब घर में जाएंगे ना, नए वाले घर में जब भी चीज़ें सही एडजस्ट होंगी, क्योंकि इधर चीज़ें कमरे छोटे हैं इस घर में और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, एडजस्ट होने में ही प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें इधर उधर रखो उधर रखो, वो सारी चीज़ें फिर से इकट्ठी हो जाती हैं, फिर से सारी सफाई। हाँ ये इधर लैपटॉप देख रहे हैं। चलो प्रगति वर्मा लैपटॉप में। अच्छा वो मैं हाँ असाइनमेंट आया, ठीक है ठीक है, वो देख रही थी कि क्या हो रहा है, ये असाइनमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, वही एग्ज़ाम्स का प्रेशर। चलो चलो कर लो, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो, है ना। वो आज भी अब थोड़ा सा लेट हो गई वॉक के लिए, पर इस टाइम पे भी ठीक ही रहता है, कोई नहीं होता, निकल जाओ अपना। इधर पार्क में थोड़ा सा डार्क हो जाता है, पार्क में नहीं जा सकते हैं तो इधर अपना घूमते घूमते कुछ काम जो करना है वो कर लो, और बाकी आपकी वॉक तो हो ही जाती है, है ना। इधर बीच में जहाँ थोड़ा सा रोशनी वाला एरिया है वहाँ पर रोशनी आ रही है, वरना जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क आ रहा है। अब इन्होंने बच्चों ने तो खाना वाना खा लिया है, अब सोच रही थी मैं कि फटाफट अपना शेक बनाऊं और शेक पीऊं। भी बताती हूँ फिर से, पता नहीं मैंने आपको बताया है कि नहीं, लेकिन फिर बताती हूँ कि ये कैसे बनता है, है ना। ये रहा हमारा मग, वो इसका जार, और ये है थोड़ा सा इसमें डाला दूध, ठीक है, रख देते हैं ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इसमें डालना है पानी, मैं पानी डाल रही हूँ, फिर उसके बाद ये रहा हमारा प्रोटीन पाउडर, ये रहा हमारा फॉर्मूला वन, ये बड़ा वाला, तो फॉर्मूला वन में से हमें कितने डालने हैं, 3 scoops, 1, 2, 3, ऐसे फ्लैट करते हुए ही डालने हैं फ्रेंड्स हमें, मतलब कई बार होता है ना जैसे ऊबड़ खाबड़ सा हो जाता है ऊपर नीचे,
ऐसा है कि किसी में क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है कम हो रही है ऐसा नहीं, फ्लैट करते हुए देखो जैसे ऐसे निकालना, मैं हमेशा ऐसा आधा कट करती हूँ, फिर उसके बाद देखो ये फ्लैट निकला। वन ये है प्रोटीन पाउडर जो हमें डालना है, टू स्कूप, ठीक है ये हो गया। अब हमें करना है जार को बंद। आंटी ने कहाँ रख दिया जार का ढक्कन, रहा अब इसको कर देंगे बंद बंद बंद। आज सोच रही हूँ चटनी भी बना ही लूँ। मेरे पैरों में आके पैर लिक करने लग जाता है। इसको निकाल लिया, ठीक है ना, ये हमारा हो गया काम इसका। इसको कर देते हैं साइड, अब बाद में देखेंगे। अब इसको ऐसे आपने बस पी लेना है ना। उसके बाद इसके बाद ना थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर पीना होता है दोस्तों। गर्म पानी से जैसे ये अंदर गया है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, सही मतलब उसका एडजस्टमेंट अंदर पेट में सही हो जाएगा, है ना। मैं फिर बोलती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इंटरेक्शन, मेरे से बात अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, क्योंकि हमारी आपस में बातचीत बढ़ती रहे जिससे, है ना। मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। अब सोच रही हूँ कि धनिए की चटनी बना दूँ फटाफट, अच्छी लगती है ना। आप में से कितने लोग हैं जिनको धनिए की चटनी अच्छी लगती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। मुझे भी अच्छी लगती है, आउच गिर गया, ये मुझे भी अच्छी लगती है, पर ये है कि जल्दी बन जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। फटाफट अब ये मैंने धनिया धोया, आप देख ही रहे हैं, धनिया धो के मैंने इसमें जार में डाल दिया। टमाटर तो डालने ही पड़ते हैं, टमाटरों से थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है अच्छा वाला, है ना। और मैं वो भी डालती हूँ, लहसुन भी डालती हूँ। लहसुन वाली धनिया की चटनी बड़ी अच्छी लगती है। आपने कभी ट्राई की है? जिस जिसने ट्राई करी है, जिस जिसने खाई है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। बस यही है कि मुझे अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो मुझे उस टाइम की अहमियत लगती है, मुझे उस टाइम की इम्पोर्टेंस लगती है। जीरा, ठीक है, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अगर आपके पास काला, हाँ ओरियो, अगर आपके पास काला नमक है तो आप काला नमक डाल सकते हैं, नहीं तो वाइट नमक भी चलेगा। मैं थोड़ा सा काला नमक भी डाल देती हूँ और फिर वाइट नमक भी डाल देती हूँ। ये डाला वाइट नमक और अब ये डाला काला नमक, ठीक है, ये रहा। अब इसको रख दिया अंदर,
इसको मिक्सी को ले आओ इधर। अब इधर इसको प्लग लगाया, इसको स्टार्ट किया, इसको फिक्स कर दिया। वाओ ब्यूटीफुल सुपर्ब वेरी नाइस गुड 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 बन गई भाई, गुड बन गई। अब आउच, आई विल शो यू, सी कितनी अच्छी है ना, आपको दिख ही रही होगी। वाओ बहुत अच्छी है, तैयार। मैं आपको चखाऊं, इट्स सो यमी। यमी बहुत टेस्टी है। आप आओ और चखो, यू आर मोस्ट वेलकम। तैयार है, जिसने खानी होगी वो इसके साथ खाए। अब देखते हैं ये क्या खाते हैं, आते हैं तो फिर ये क्या मांगते हैं। दोस्तों आज ना ओरियो मेरे पैरों में आता रहता है ना, इसलिए इसकी लग गई इतनी बुरी तरीके से ना, मेरे पैर के नीचे आ गया। अब देखो गोदी में ही है आराध्या की, और सो नहीं रहा और ऐसे रोया अभी, इतना दुख लगा मुझे। अब फिर रोटी बनाने आई हूँ, रोटी बना रही हूँ और इधर चावल रखती हैं। पर मन ख़राब हो गया ना इसकी तबीयत ऐसे देख के, पता नहीं अब चल कैसे चलेगा। अभी तो सो ही गया, खून तो नहीं निकला कहीं, नहीं खून तो नहीं है, पर ऐसा हो गया बिल्कुल ही, मन ख़राब हो गया इसको ऐसे देख के। अब फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद के बाद करती हूँ फिर आपसे बात। इसको देखती हूँ पहले। अब ये पीछे से बोल रहा है, अब बच्चे खाना खाने बैठ गए हैं और मैं फिर अब आज के लिए इतना ही करते हैं। इंटरेक्शन हमारी अच्छी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब बच्चे भी आपसे, बच्चे अभी खाना खा रहे हैं पर वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको वो क्या बोल रहे हैं। ये बच्चे बोलेंगे आपसे गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय मम्मा चैनल एंड दीदी चैनल आल्सो एंड दीदी चैनल आल्सो एंड पापा चैनल आल्सो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।